तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एबीएस कैसे काम करता है, सारा डिटेल्स बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा कैसे एबीएस काम करता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है एबीएस में। बेसिकली जिन जिन बाइक में एबीएस होता है ना, तो लाइक 10 to 12,000 महंगा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो जो कॉम्पोनेंट मैं आपको बताऊँगा बहुत सारे कंपोनेंट होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, बट अगर समझ जाओगे तो बिल्कुल ईजी है। बेसिकली बात करते हैं एबीएस होता क्या है। एबीएस होता है लाइक कार के लिए और बाइक के लिए सेम होता है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब आपको जो बाइक का व्हील है, अचानक से अगर आपने ब्रेक पैनिक ब्रेकिंग किया होगा तो बाइक स्किड कर जाता है, बट एबीएस जिस बाइक में लगा होगा तो वो बाइक स्किड नहीं करेगा। फर्स्ट बात करते हैं आपका जो व्हील में लगा होता है स्पीड सेंसर, वो एक चीज़ होता है। सेकेंड जो आपका लगेगा ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, या फिर कोई कोई कार में ECM भी करता है, दोनों सेम चीज़ होता है। मॉड्यूलेटर की प्राइस ज़्यादा होता है। बेसिकली मॉड्यूलेटर ही ऐसा चीज़ होता है जो जहाँ पे सारा मैकेनिज्म होता है। तो चलिए कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ब्रेक कभी प्रेस किया है, डिस्क ब्रेक का, तो नॉर्मल बाइक में क्या होता है, आपने ब्रेक लीवर प्रेस किया और यहाँ पे नीचे का जो डिस्क ब्रेक आता है उसमें ब्रेक लग जाता है। बट ABS के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो एक ECU होता है, ECU को पता कैसे चलता है कि आपने ब्रेक प्रेस किया है। बेसिकली जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो उसके थ्रू एक सेंसर ECU में कनेक्ट किया हो रहता है। तो ECU जो है उसको सेंस करता है कि कैसे आपने जो ब्रेक है वो अप्लाई किया है। और एक चीज़ सेंस करता है, आपने ABS के बाइक में लिखा होगा एक ABS का प्लेट आता है, वो स्पीड सेंस करने के लिए होता है। तो वो स्पीड सेंसर के थ्रू ECU को पता चलता है कि आपने कितना, आपका बाइक का जो कितना स्पीड है, और आपने ब्रेक जो अप्लाई किया है उसके एक सेंसर के माध्यम से ECU को पता चलता है कि आपने ब्रेक अप्लाई किया है। अब ECU को तो पता चल गया कि आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। नेक्स्ट प्रोसेस, आपने जो ब्रेक अप्लाई किया है, मास्टर सिलेंडर में जो आपका ब्रेक ऑयल होता है, हाइड्रोलिक ऑयल .3 या फिर .4 हो सकता है, वो सिंपली अगर प्रेस करते हैं तो वो एक ब्रेक लाइन के थ्रू जाएगा आपका मॉड्यूलेटर पे, ना कि आपका डिस्क ब्रेक में जाएगा, आपका मॉड्यूलेटर पे स्टोर होगा। अब मॉड्यूलेटर में दो चीज़ रहता है, बेसिकली दो चीज़ रहता है, हाई प्रेशर पंप, और सेकंड आता है आपका सोलेनॉइड वाल्व। तो ECU हाई प्रेशर पंप को एक कनेक्शन देगा और आपका सोलेनॉइड वाल्व को एक कनेक्शन देगा, ठीक है। तो ECU को पता चल गया कि आपने ब्रेक अप्लाई किया है और यहाँ पे मॉड्यूलेटर पे ऑयल भी आ गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा, ECU हाई प्रेशर पंप को सिग्नल देगा कि आपको प्रेशर जनरेट करना है। हाई प्रेशर पंप सो सीधा प्रेशर जनरेट करेगा और मॉड्यूलेटर के अंदर ऑयल होता है उसको प्रेशराइज करेगा, और वो प्रेशराइज ऑयल जाएगा आपका सोलेनॉइड वाल्व में। तब ECU सोलेनॉइड वाल्व को सिग्नल देगा कि आप वाल्व खोल दीजिए, तो सोलेनॉइड वाल्व जो है वाल्व खोल देगा, और मॉड्यूलेटर के थ्रू सोलेनॉइड वाल्व खुलने के कारण उसके थ्रू जो हाई प्रेशर ऑयल है वो निकलना चालू हो जाएगा। वो ऑयल का पाइप कनेक्ट किया होगा आपका डिस्क ब्रेक का कैलिवर के साथ, तब जब आपने ब्रेक प्रेस किया होगा तो वो ऑयल जो है, मैंने आपको जैसे बताया, मॉड्यूलेटर के थ्रू ऑयल आपका डिस्क ब्रेक कैलिवर में चला जाएगा, अपना ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तो ब्रेक तो अप्लाई हो गया, अब बाइक रुक गया, तो ABS के समय क्या काम, अब काम करता है ECU, मेन खेल करता है। जब बाइक रुकने वाला है लाइक 10 किलोमीटर्स, लाइक 50 किलोमीटर्स पर आपको अपने ब्रेक लगाए, और वो व्हील का जो स्पीड है वो ब्रेक अप्लाई होने के बाद 5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर में आ गया, बाइक रुकने वाला होगा, तभी ECU को पता चलेगा कि बाइक जो है रुकने वाला है। तब क्या करेगा, ECU फिर से हाई प्रेशर पंप को सिग्नल देगा और सोलेनॉइड वाल्व को सिग्नल देगा कि आप प्रेशराइज करना बंद करिए, तो आपका जो हाई प्रेशर पंप है वो बंद हो जाएगा और प्रेशर क्रिएट करना बंद कर देगा। तब क्या होगा, और एक सिग्नल देगा सोलेनॉइड वाल्व को वाल्व क्लोज करने के लिए, तो बेसिकली वो वाल्व भी क्लोज हो जाएगा, अब कोई प्रेशर जो है आ नहीं रहा है, तो आपका ब्रेक का जो ऑयल आ रहा था वो प्रेशर करना बंद कर देगा, तब आपका कैलिपर में कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। अब एक और चीज़ काम करता है, एक पाइपलाइन जाता है सिंपली आपका ब्रेक से आपका मॉड्यूलेटर तक, जो ऑयल ब्रेक में आया था प्रेशर ऑयल, वो सिंपली सेकेंड पाइप के थ्रू, जिसको बोलते हैं प्रेशर रिलीज पाइपलाइन, उसके थ्रू सिंपली मॉड्यूलेटर में वापस चला जाएगा। इस तरीके से आपका ब्रेक ऑयल जो है आना बंद हो जाएगा, आपका ब्रेक का प्रेशर भी कम हो जाएगा, आपका बाइक पूरी तरीके से रुकने के पहले से ही आपका बाइक स्किड नहीं होगा, बेसिकली लॉक नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
मैंने डिटेल्स में बताया है कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक ये बाइक और कार के लिए सेम होता है। और इसके बाद मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ कैसे प्रॉपर तरीके से काम करता है। इसलिए इस वीडियो को बस शेयर करना है, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको लास्ट में समझा देता हूँ कैसे प्रॉपर डायग्राम के थ्रू ए बी सिस्टम काम करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स है डायग्राम के थ्रू। स्वाये समझते हैं एबीएस कैसे काम करता है। बेसिकली एबीएस के लिए आपको चार चीज़ें जो ज़रूरत पड़ेगा। बेसिकली बाइक में ऐसे ही चार चीज़ें लगा रहता है। तो फर्स्ट ऑल मास्टर सिलेंडर, और सेकंड है ईसीयू, और एक मॉड्यूलेटर। और मॉड्यूलेटर के अंदर क्या क्या रहता है, एक हाई प्रेशर पंप रहता है और एक सोलेनोइड वाल्व रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक स्पीड सेंसर रहता है जो हमारा व्हील में लगा रहता है, वो होता है स्पीड सेंसर। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कॉम्प्लीट डायग्राम, कैसे आप इजीली समझ जाएंगे कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईसीयू, एक स्पीड सेंसर यहाँ पे हमारे व्हील पे लगा हुआ है ना, स्पीड एबीएस का सेंसर, वो सेंसर डायरेक्टली कनेक्ट होता है ईसीयू से। और वो सेंसर ईसीयू का जो सेंसर है वो स्पीड सेंसर से कनेक्ट होता है। और जो स्पीड ब्रेक लीवर है, जब यहाँ पे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इसी को कैसे पता चलेगा हमने ब्रेक अप्लाई किया, तो वहाँ से भी एक सेंसर इशू को कनेक्ट किया हुआ है। मतलब एक और दो, ये जो दो सेंसर इशू को कनेक्ट किया हुआ है। अब जैसे हम ब्रेक प्रेस करते हैं, जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तब इस सेंसर के माध्यम से इसी को पता चल जाता है कि हमने ब्रेक अप्लाई किया है। और इसको और एक पता चलता है कि कितना स्पीड में हमने ब्रेक, मान लीजिए आपके 40 के स्पीड में हमने ब्रेक लगाया, तो ये जो स्पीड सेंसर है इसके माध्यम से इसको पता चल जाता है कि आपने ब्रेक किस स्पीड से लगाया है। और इस सेंसर से आपको पता चल जाएगा कि ब्रेक हमने अप्लाई किया है। तब ये काम क्या करेगा, जब यहाँ पे ब्रेक अप्लाई होता है तो इसमें जो ऑयल होता है हाइड्रोलिक ऑयल, वो डायरेक्टली चला जाता है मॉड्यूलेटर पे। यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है, ठीक है, तो वो मॉड्यूलेटर पे चला जाता है और इसमें ऑयल फिल हो जाता है। ठीक है, तो इसको पता चल गया कि आपने ब्रेक अप्लाई किया है और स्पीड कितना है वो भी इसको पता चल गया, और ब्रेक हमने अप्लाई कर दिया तो ऑयल सिंपली यहाँ पे आ गया। अब क्या करेगा, ईसीयू यहाँ पे पंप होता है, तो वो पंप को डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है, सिग्नल देगा कि इस पंप को चालू करने के लिए, तो हाई प्रेशर पंप वो चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑयल है वो इसको प्रेशराइज करेगा, जितनी प्रेशराइज करेगा। और ईसीयू और एक चीज़ से कनेक्ट होता है जो कि सोलेनोइड वाल्व, ये सब मॉड्यूलेटर के अंदर ही है। तो इसको यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है वाल्व को, तो मॉड्यूलेटर ईसीयू जो है पंप को सिग्नल देगा कि आप ऑयल को प्रेशराइज कीजिए, और इसको सिग्नल देगा कि आपको ये जो वाल्व है वाल्व को खोल दीजिए। और ये जो वाल्व है वाल्व पे डायरेक्टली जुड़ा होता है आपका ब्रेक लाइन। तो नॉर्मल बाइक में क्या होता है, जो मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर से डायरेक्टली अटैच होता है आपका ब्रेक लाइन। बट एबीएस के केस में आपका मॉड्यूलेटर से पावर लाइन, ये जो ब्रेक लाइन है, ऑयल लाइन है, वो कनेक्ट किया हुआ है। तो जब इसको सिग्नल मिल चुका है तो क्या करेगा, ये जो एक ऑयल लाइन है इसके थ्रू यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा और आपका ब्रेक जो अप्लाई हो जाएगा। तो ब्रेक तो अप्लाई हो गया है, बट ब्रेक स्किड हो सकता है बाइक। तो जब भी ब्रेक स्किड होने, मतलब आपका जो व्हील है वो स्टॉप होने की कगार पर आता है, तो स्पीड सेंसर के माध्यम से पता चल जाएगा कि ये जो व्हील है आपका लॉक होने वाला है। तो जब भी लॉक होने वाला है तो इश्यू क्या करेगा, स्पीड सेंसर के माध्यम से सेंस कर लिया कि ये व्हील जो है लॉक होने वाला है, तो ये क्या करेगा, फिर से ये पंप को मतलब सिग्नल देगा और सोलेनोइड वाल्व को सिग्नल देगा कि पंप को सिग्नल देगा कि आप पंप करना बंद करिए, और सोलेनोइड वाल्व को सिग्नल देगा कि ये जो आपका ऑयल लाइन चाह रहा था ना ब्रेक में, तो इस लाइन को ऑफ कर देगा। जैसे ये पंप ऑफ हो जाएगा, ये करंट ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ से प्रेशर जो आना था ना वो यहाँ पे अप्लाई होना बंद कर देगा। और उसी तरह यहाँ पे एक दूसरा लाइन आता है, उस लाइन को खोल देगा। यहाँ पे कहते हैं ब्रेक ऑयल रिलीज लाइन, तो इसको अगर खोल देगा तो यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हुआ वो इसके थ्रू निकल जाएगा, तो आपका व्हील जो है फ्री हो जाएगा। तो ऐसे ही एबीएस सिस्टम काम करता है। ईसीयू जो है सेकंड में 8,000 पल्स, ये जो वाल्व है अप डाउन करके, अप डाउन खोल चालू बंद होता है, तो वो ईसीयू 8,000 पल्स पर सेकेंड की हिसाब से काम करता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा स्पीड से काम करता है। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, आपने यहाँ पे ब्रेक प्रेस करके रखा है फिर भी यहाँ पे ब्रेक नहीं लग रहा है, तो इसको काम करते ये आपका मॉड्यूलेटर जो इशू कंट्रोल करता है। तो ये था पूरा एबीएस का सिस्टम, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कुछ भी कमेंट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको समझ में नहीं आया। जितना हो सके मेरे हिसाब से मैंने क्लियर करके आपको समझा दिया है।
सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना है। अगर आप लाइक नहीं करोगे मुझे पता कैसे चल रहा है कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद है, अगर नहीं पसंद है तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर दीजिए। और मेरा एक वेबसाइट है www.theindianworkshop.com, वहाँ से एक बार विजिट कर लीजिए। लेटेस्ट जो आप टेक्नोलॉजी आ रहा है, लेटेस्ट बाइक लॉन्च हो रहे हैं, वहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा। तो आशा करते हो वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, और कुछ भी कॉमेंट हो कॉमेंट में उसमें ज़रूर बताइए। और मुझे आप चाहें तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ और आगे भी दूंगा। तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आऊँगा फिर एक वीडियो के लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे होम, भारत माता की जय।